और पूनम देवी के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, खासकर से हम ज़्यादातर लोग उनके नाम से इसलिए परिचित हैं क्योंकि उन्होंने बीहड़ में जंगलों में इस तरह की लड़ाई लड़ी थी। खासकर हम लोग उनको इस तरीके से देखते हैं कि वो बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष लड़ा और 22 ठाकुरों को मारा। लेकिन बहुजन साहित्य संघ एक नई चर्चा इस माध्यम से ले आना चाहता है कि कैसे हम अकादमिक क्षेत्र में पूनम जी को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि उनकी राइटिंग्स तो नहीं है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन उनकी स्पीच है, उनकी जो स्टेटमेंट है उससे हम कैसे पूनम जी को देखते हैं, क्या वो खुद सोचते थे अपने बारे में। जैसे अभी मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में देख रही थी, तो उसमें जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखा है वो खुद बता रहे हैं कि वो हर एक पन्ने को खुद पढ़ा करती थी, और पढ़ तो नहीं पाते थे, खैर वो बोलते थे तो सुनते थे, और हर चीज़ को वो रिकरेक्ट करते थे। तो मतलब जब वो बिना पढ़े लिखे इतने अच्छे से उस चीज़ को अकेडमिक वर्क को देख रहे हैं, तो उस पर अकादमिक कार्य भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुजन साहित्य संघ की एक पहल है कि अकादमिक और राजनीति दोनों को कैसे पूनम देवी के संदर्भ में हम लोग जोड़ सकते हैं, उस पर बातचीत शुरू की जाए। इसके लिए हमारे स्पीकर हैं विश्वम्भरनाथ प्रजापति जी, सेंटर फॉर साइंस एंड स्टडीज़ पॉलिसी से हैं, PhD स्कॉलर हैं। जुबैर आलम जी PhD अभी इन्होंने जमा की है, और नितिशा जी हैं DU में पढ़ाती भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। कविता जी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के काम पर ही इनका रिसर्च है। तो मैं आमंत्रित करूंगी कि कविता जी आए और नितिशा जी, जुबैर जी, विश्वम्भर जी आकर यहाँ बैठें और पूनम जी पर आगे चर्चा शुरू।